10:30 बजे निकला मैं कुल्फी जमाने के लिए अपनी, पूरी ठंड में एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा था। बाद में 10 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे एक ई रिक्शा मिला, और 17:15 आते हुए 4 लोगों ने इस तरीके से नौटंकी करी जैसे मुझे लगा कि मेरा मोबाइल छीनने वाले, बट ये सिर्फ ऐसे दिखावा कर रहे थे। तो मैं अपने मेट्रो स्टेशन की तरफ पहुंचने वाला था जो कि 17:15 मेट्रो था, और मैं लिफ्ट के लिए उतरा, बट लिफ्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम की वजह से वहाँ पे वो मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसके वजह से मैंने लिफ्ट बंद कर दी थी। तो मुझे लगा कि इन लोगों ने रात की वजह से बंद कर रखी है या सच में कुछ है। तो जैसे ही मैं एलिवेटर की तरफ आया और ऊपर जाके मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे नज़ारा ही कुछ और मिला। सच में इन लोगों ने बंद कर रखा था। तो इन चाचा जी को देखो कैसे 60 साल के बुढ़े की तरह चल रहे हैं। और मेरे साथ एक सीन हुआ यहाँ पे, एक आंटी ने मुझे बहुत तकड़ा वाला इग्नोर मारा। मुझे लगा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, बैग ऊपर पहुँचा दूँ, बट मैंने पूछा, इन्होंने मना कर दिया। सो हम आ गए हैं नई दिल्ली, चलो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और आज आप लोग देख रहे हैं एक नया सीन। सो क्या है ये, आप लोगों को लगता है ट्रेन? ये लोकल ट्रेन है, शायद इसको जनरल ट्रेन बोलते हैं। अभी चलना जाए मुझे उतरना पड़ेगा लग रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर आ गया, एक नया व्यू मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन। तो आज की जर्नी मुझे लग रहा है यहाँ पूरे प्लेटफॉर्म पे उतारनी पड़ेगी मुझे, पूरी रात भर आज मैं प्लेटफॉर्म पे रुकने वाला हूँ। सो आपको दिखाऊंगा मैं व्यू। आज मैं आया हुआ हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर में पता है कौन से पर हूँ, फिर बता देता हूँ कौन सा आप मिलने आओगे। अभी 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर हूँ मैं, और यहाँ पर मुझे लग रहा है पूरी रात बिटानी पड़ेगी। और ये ट्रेन हिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उतरना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रेन पता नहीं कौन सी रेस मुझे लेके चली जाएगी। क्या बोला तूने? तो मुझे उतरना पड़ेगा लग रहा है। तो गाइज यहाँ पर कोई भी नहीं है यार, बस मैं एक अकेला ही बचा हूँ। देखो आप पीछे में भी आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा, और आपको मेरे इधर पीछे में भी कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। मतलब पूरी पूरे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मुझे लग रहा है मैं अकेला ही बंदा बचा हूँ। आपको अभी भी लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इतनी रात में। अभी टाइम मैं बताऊँ तो गाइज 12:41 हो गए हैं, पूरा अंधेरा हो गया है। मतलब प्लेटफॉर्म पर तो थोड़ी बहुत लाइट है, बट बाकी हर जगह सब गायब हो गए हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी बहन का, क्योंकि उसकी जो ट्रेन है वो 1 घंटा लेट है, तो इसलिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर रात का समय है, सो इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो देख रहे हो ना धुआं कितना निकल रहा मुँह से मेरा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब बैठ भी जाऊँगा तो भी मैं कुल्फी बन जाएगी। अभी यहाँ पर ना थोड़ी देर पहले बहुत सारे लोग थे, अभी यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, अब तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। सो हम लोग इंतज़ार करते हैं ट्रेन कब तक आएगी। 1:30 तक मैं इंतज़ार करता हूँ यहाँ पर ट्रेन आएगी, उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा। बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है यार। Over the edge, feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing.